हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्ते। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये रीट्स मेंस का पेपर है, एसएस सोशल साइंस का। इसमें आप देखेंगे कि 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 अंक का होता है, 2.5 घंटे में आपको करना होगा। हाँ, प्लीज़ ये राजस्थान की रीट एग्ज़ाम का पेपर है। इसमें देखेंगे आप, इसमें सभी तरह के क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, करंट अफेयर्स और राजस्थान की कल्चर अफेयर के और राजस्थान की कल्चर से संबंधित सभी तरह के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे आपको। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर कीजिए। इसी के साथ शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। संगरिया, सांचौर, सांथलपुर, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एक, एक का आंसर हो जाएगा जैसलमेर सी। क्वेश्चन नंबर दो, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली सी। क्वेश्चन नंबर तीन, राजस्थान लोक में पैनी ने कोई कयो जावे, तो इसका आंसर हो जाएगा तीन, तीन का आंसर हो जाएगा एक आडी। क्वेश्चन नंबर चार, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा चार, चार का आंसर हो जाएगा तीन नंबर। न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर क्वेश्चन नंबर पाँच वे क्वेश्चन नंबर पाँच वे कौन सा कवि है जका री भक्ति अर चमत्कार री वजे सु लोग बानो परमेश्वर रे सम्मान बतावण लाग्या हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पाँच, पाँच का आंसर हो जाएगा एक नंबर बाहरठ ईसरदास। क्वेश्चन नंबर छः, बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र खालिस्तान में स्थित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा छः, छः का आंसर हो जाएगा तीन नंबर श्री गंगानगर। क्वेश्चन नंबर सात, लाठी श्रेणी खालिस्तान से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा जलभ्रत ए। क्वेश्चन नंबर आठ, चंदन बाला रास काव्य रूप री धीठ सु किण महत रो काव्य है, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आठ, आठ का आंसर हो जाएगा एक नंबर खंड काव्य। क्वेश्चन नंबर नौ, क्वेश्चन नंबर नौ, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा नौ, नौ का आंसर हो जाएगा तीन नंबर अहिछत्रपुर। क्वेश्चन नंबर दस, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ खालिस्तान है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दस, दस का आंसर हो जाएगा चार नंबर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, विजयशाही एक प्रकार का की खालिस्तान है, तो इसका आंसर हो जाएगा पगड़ी, विजयशाही क्या है पगड़ी। इस तरह आप देखेंगे कि यह राजस्थान कल्चर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्लीज़ सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइबर करें। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है वह है, उसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 13,
राजस्थान री अख्त कवियत्री गौरीबाई रो झलम कठे वहियो। इसका तेरा क्वेश्चन नंबर तेरह, तेरह का आंसर हो जाएगा जयपुर। क्वेश्चन नंबर चौदह, अठारहवीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौदह, चौदह को प्लीज़ इसको डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पंद्रह, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 21-22 के अनुसार राज्य में खालिस्तान श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंद्रह, पंद्रह का आंसर हो जाएगा रक्षित बी। क्वेश्चन नंबर सोलह, क्वेश्चन नंबर सोलह, सपेरो का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सोलह, सोलह को हो जाएगा पुंगी एक नंबर। क्वेश्चन नंबर सत्रह, बालदा सिरोही कालिस्तान के किस प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सत्रह, सत्रह का आंसर हो जाएगा सी टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर अठारह, 8 सितंबर 1857 को भिथोड़ा स्थान पर कालिस्तान ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, 18 का आंसर हो जाएगा सी ठाकुर कुशाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 19, झालावाड़ री मुख्य बोली है। तो इसका आंसर हो जाएगा झालावाड़ री मुख्य बोली है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाड़ौती। क्वेश्चन नंबर 20, 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्यों को सौंपा। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो प्लीज़ कितना से अंदर क्वेश्चन है, अगर आपको उत्तर व पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण सीमा का लंबाई चौड़ाई पता है तो इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 43। क्वेश्चन नंबर 21, रीड कोर RIDCOR खालिस्तान में स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2004 बी नंबर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आखा तीज। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा दो नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, बेवाण कला संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा काष्ट कला से। क्वेश्चन नंबर 25, अकवाली निक्षेप कालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो 25 का आंसर हो जाएगा तांबा। क्वेश्चन नंबर 26, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंदौली। क्वेश्चन नंबर 27, 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्व वेत्ता का मुख्य योगदान रहा वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष डी। क्वेश्चन नंबर 28, विरुद्ध 76 रचनाकार रोनाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सी दूरसा हाड़ा। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास बेड़स गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा तीन नंबर हाहाड़।
क्वेश्चन नंबर 30, बीकानेर ने जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किस शूरवीरों की मूर्तियां स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ए जयमल पत्ता। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादन जिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा, बूंदी, बारा, बी, आंसर हो जाएगा बी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा एक जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 33, कन्हैयालाल सेठिया री काव्य कृति नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33, सोन मिर्गला। इस क्वेश्चन को प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये पूछ रहा है कन्हैयालाल सेठिया री कृति काव्य कृति नी है, ये थोड़ी राजस्थानी भाषा में लैंग्वेज है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, सोन मिर्गला। क्वेश्चन नंबर 34, डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः कालिस्तान जिलों में पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा एक नंबर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। प्लीज़ ये फाइनल आंसर की के ही आंसर है, फाइनल की जारी की थी उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन एंड आंसर्स है। क्वेश्चन नंबर 35, मालवी री उपबोली है, तो इसका आंसर हो जाएगा रागड़ी। मालवी किसकी उपबोली है, रागड़ी की। तो इस तरह आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा बी भगवंत दास। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वह है, प्लीज़ इसे, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई है इसलिए इसका आंसर सही नहीं बता सकता मैं, इस तरह इसे डिलीट कर दीजिएगा। हाँ, इसे डिलीट कर दिया गया था अपन की ओर, इस तरह आप देखेंगे कि हाँ इसे डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान के किस प्रदेश या क्षेत्र में मुख्य भेड़ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 चंबल बेसिन। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन करंट अफेयर के, सॉरी राजस्थान की कल्चर के से संबंधित है ये, इस तरह आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इनमें, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चनों को आप पूरा देखें और अपने दोस्तों तक रिश्तेदारों तक इसे शेयर कीजिएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा सी जाम्बोजी, गोरखनाथ से दीक्षा ली थी तो जाम्बोजी ने ली थी। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान के दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 में एक हो जाएगा दजिया। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह।
प्लीज़ इस क्वेश्चन को फिर से आप देखिएगा। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है। प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, नेगेटिव करा देते हैं। ये नहीं वाले क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। प्लीज़ ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसने बोला है विजेता नहीं है, तो विजेता ये नहीं है, महेंद्र सिंह, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो गया 40। तो विजेता है कौन कौन से, अनूप कुमार विजेता है, वीरेंद्र पुनिया विजेता है और सागरमल दहियाल विजेता है। तो ये तो तीनों तो विजेता है, लेकिन महेंद्र सिंह विजेता नहीं है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ऐसे क्वेश्चनों को प्लीज़ आप थोड़ा समझ के ही आंसर इनको देना है। क्वेश्चन नंबर 42, पब्लिक स्कूल की विशेषता या विशेषताएँ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ये सभी आवासीय विद्यालय सुविधा युक्त क्वेश्चन और किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान। तो ये सभी आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें लिख रखा है ये सभी, तो ये आंसर होगा, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है। प्लीज़ आपको ऐसा लग रहा होगा कि आरटीई वगैरह कहाँ से आ गई, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चंस पेपरों में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ए, किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 14 कह रही है। क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 44। बाल मित्र योजना का उद्देश्य खालिस्तान से प्रभावित बच्चों को सहायता देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लैंगिक उत्पीड़न। क्वेश्चन नंबर 45, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवस व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का आंसर हो जाएगा 200 कार्य दिवस और 800 घंटे, ए आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 46, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है, तो कोई भूखा न सोए, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा एक नंबर। ये करंट अफेयर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 47, कुरंजा खालिस्तान का जिला शुभंकर है, तो ये कुरंजा है। 47 का आंसर हो जाएगा बी, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 48, पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा खालिस्तान वर्ष है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 वर्ष, बी आंसर हो जाएगा 15 वर्ष बी। क्वेश्चन नंबर 49, ददरेवा खालिस्तान का जन्म स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोगाजी सी। क्वेश्चन नंबर 50, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन सबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए खालिस्तान रुपए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 रुपए। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा 5 रुपए सी। क्वेश्चन नंबर 51, सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का आंसर हो जाएगा बी,
1961। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 243 ए, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 53, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का आंसर हो जाएगा पहला, सॉरी इसका चार ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, हेयर ड्रेसर, आयु 18 से 40 वर्ष, दूसरा है दर्जी, आयु 18 से 40 वर्ष, प्लम्बर, आयु 18 से 40 वर्ष, सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स, तो ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा सभी, 1, 2, 3, 4 सभी सही है, सभी इसमें शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 55, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य सरकार का। क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र खालिस्तान में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा ए, 3। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित कथनों पर सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए, पहला राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई, क्वेश्चन सेकंड है इसमें, योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, तो सही विकल्प का चयन कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का आंसर हो जाएगा ए गलत है, बी सही है, 57 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 58, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है, तो इस क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 49, विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को खालिस्तान ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5%। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है, तो यह है समवर्ती सूची का, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले के सी मालू किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा संगीत, बहुत ही शानदार क्वेश्चन करंट अफेयर का। क्वेश्चन नंबर 62, डाइट का पूरा नाम है, तो डाइट का पूरा नाम है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 63, चंदेरिया खालिस्तान संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो किसका है, इसका आंसर हो जाएगा जस्ता बी। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 64, मिशन बुनियाद कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ, इसका आंसर हो जाएगा 5 सितंबर 2022, डी आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 65, जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब
हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 11-13 नवंबर 2022, 11-13 नवंबर 2022 ए। क्वेश्चन नंबर 66, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1544, जनवरी 1544 को लड़ा गया था गिरी सुमेर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 डी। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 5, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 69, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 69, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। क्वेश्चन नंबर 70, प्लीज़ इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना, हाँ समझ लेना, किसी से पूछ भी लेना और किसी से, थोड़ा इसमें मुझे भी डाउट आ रहा है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अंग, किसकी राजधानी थी अंग। क्वेश्चन नंबर 71, संविधान सभा में B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का 29 अगस्त 1947, 71 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 72, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत कौर। क्वेश्चन नंबर 73, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 74, 1906 ईस्वी में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 75, 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा बी, टाउन एरिया समिति। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का आंसर हो जाएगा सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा 77 का आंसर हो जाएगा अमरकोट ए। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, ऋग्वेद में आ जाएगा ऐतरेय, सामवेद में आ जाएगा पंचविस, और यजुर्वेद में आ जाएगा शतपथ, और अथर्ववेद में आ जाएगा गोपथ। इस तरह आप देखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा ए में ए, बी में बी, बी में दो, सी में तीन और डी में चार, इसका आंसर हो जाएगा एक। क्वेश्चन नंबर
79 केस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेरुबारी संघ मामला। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान के प्रावधान दे रखे हैं और इधर स्रोत दे रखे हैं। इस तरह आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है, सही है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, सही है। समवर्ती सूची कनाडा से नहीं ली गई है, ये गलत है। तो सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। और आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची गलत है, सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। इस तरह आप देखेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइबर करें और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, रिश्तेदारों तक शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81, गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का आंसर हो जाएगा एक नंबर कैरियोसियो धारा। क्वेश्चन नंबर 82, किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई, इसका आंसर हो जाएगा 6वीं लोकसभा में सबसे कम महिलाएं थी, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 83, 1873 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी, इसका आंसर हो जाएगा ए, दी इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 84, अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 85, अशोक का सभाजगढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है, तो इसका आंसर हो जाएगा करोष्टी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था वरना संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का आंसर हो जाएगा एक नंबर पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का आंसर हो जाएगा तीन नंबर शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है, तो ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक से संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है, अनुमति दे सकता है, अनुमति को रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, संशोधन की सिफारिश कर सकता है, सही युग्म चुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का आंसर हो जाएगा बी, 3 और 4 सही है। 3 में पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है और संशोधन की सिफारिश कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 89, एओ ह्यूम कौन थे, 89 का आंसर हो जाएगा सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक, बहुत ही शानदार क्वेश्चन।
छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बनाया है ये, आप और मैं सोच भी नहीं सकते ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। छावनी बोर्ड क्वेश्चन नंबर 90 है, छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा बी। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 बी, आंसर हो जाएगा बी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 92, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर डी। क्वेश्चन नंबर 93, पंचायत राज्य संस्थान में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा एक, धर्म नस्ल जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा एक नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, 1991 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। 96, निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 96, इसका आंसर हो जाएगा निम्न जीवन स्तर ए। क्वेश्चन नंबर 97, दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर करौली बी। 98, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 98 का आंसर हो जाएगा सी, जिला आयोग द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 99 इसका प्लीज़ इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, प्लीज़ इसे डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 100, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, तो इसका 27.5 दिन, तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा 27.5 दिन। क्वेश्चन नंबर 101, उष्णकटिबंधीय बागवानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों तथा फसलों को सम्मिलित करो, केला गन्ना चाय रबड़, तो इसका आंसर हो जाएगा 101 का आंसर हो जाएगा केला, केले का है मध्य अमेरिका, गन्ने का हो जाएगा कयूबा, दो नंबर चाय का हो जाएगा श्रीलंका एक नंबर, और रबड़ का हो जाएगा मलेशिया तीन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ए में वापस देखिए, ए में लिख रखा है ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3, इस तरह आप देख लीजिएगा, ध्यान से देखिए इनको। क्वेश्चन नंबर 102, सुमेलित करो कृषि प्रकार और नदी बेसिन, गहन निर्वहन कृषि 2, तो गहन निर्वहन कृषि गंगा नदी बेसिन, भूमध्य सागरीय कृषि संता आना नदी बेसिन 2,
बीका दो और व्यापारिक अनुत्पादन कृषि सी सीका एक मर्रे डार्विन नदी बेसिन स्थानांतरणशील कृषि। इसका आंसर हो जाएगा कांगो बेसिन नदी बेसिन कांगो नदी बेसिन। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 102। दो का आंसर हो जाएगा एक में चार बी में दो सी में एक डी में तीन। आंसर हो जाएगा एक नंबर ए। क्वेश्चन नंबर तीन आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 21-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुपात है तो तीन। क्वेश्चन नंबर 103 तीन का आंसर हो जाएगा 8.2% 8.2% डी। क्वेश्चन नंबर चार 104 भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर चार चार का आंसर हो जाएगा बी 2013। क्वेश्चन नंबर पाँच खमसीन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा गिनी तटीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर छः तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर छः 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य था तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल होना चाहिए था लेकिन इसमें इसे प्लीज़ डिलीट कर दिया गया है तो अपन की तरफ से भी हमारी तरफ से भी प्लीज़ इसे डिलीट ही समझे। हाँ अब आप एक दो दोस्तों से इस क्वेश्चन को शेयर करके इस पर डिस्कशन कीजिएगा और इसका सही आंसर कोशिश करिएगा ढूंढने की तो मेरी तरफ से तो प्लीज़ इसे डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सात निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सात सात का आंसर हो जाएगा दो नंबर मिशिगन झील। क्वेश्चन नंबर आठ क्वेश्चन नंबर 108 समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है तो किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 113.25 MB। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 सही अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी शुद्ध राष्ट्रीय अकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यांश एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय दोनों तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 110 क्वेश्चन नंबर 110 निम्न में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया गया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 111 पावर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं तो 11 का आंसर हो जाएगा बी दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 12 भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित जिस प्रदेश में की जाती है वह है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा एक कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नंबर 13 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई तो इसका आंसर हो जाएगा एक 1995। क्वेश्चन नंबर 14 उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी वह विधि। आंसर हो जाएगा सी वह विधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 115 निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है तो इसका आंसर हो जाएगा डी साहूकार ए व्यापारी दोनों।
क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा जोधपुर। मसाला पार्क कहाँ पर है? जोधपुर। प्रथम मसाला पार्क, हाँ जी हाँ, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, मसाला पार्क पूछ रहा है वो भी प्रथम, तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय की स्थायी पवन कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापारिक पवन बी। क्वेश्चन नंबर 19, 2020-21 चालू कीमतों पर में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन वाला भारत का राज्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा 9/119 का आंसर हो जाएगा सी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 20, नई इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा यूएसए में एक नंबर। तो नंबर 21, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य था? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा एक नंबर, समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा डी, बोलने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य यानी चालू कीमतों पर में औद्योगिक क्षेत्र का अंश था? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा बी, 25.9। क्वेश्चन नंबर 24, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 25, व्यापारिक अन्न उत्पादन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा कंपाज प्रदेश डी, कंपाज। 25 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा बी, भाषा का शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा बी, परिकल्पनाओं का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 28, शैक्षणिक कार्यों में एक रास्ता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा मनोरंजनात्मक डी। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का आंसर हो जाएगा विषयी। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? तो इसका आंसर हो जाएगा विषयी डी। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय स्तर पर कालिस्तान दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा बी, NCERT। क्वेश्चन नंबर 31, शब्दावली खोज तालिका का मिलान कीजिए। राष्ट्रीय एकता, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक विकास, संविधान। तो क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता, भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, औद्योगिक क्रांति इसका आंसर हो जाएगा इतिहास। 4 नंबर, औद्योगिक विकास, भूगोल एवं अर्थशास्त्र,
और संविधान, नागरिक शास्त्र। इस तरह देखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा डी। डी में लिख रखा है ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। क्वेश्चन नंबर 32, हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए खालिस्तान उपागम को अपनाना चाहिए खालिस्तान उपागम के स्थान पर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा डी, एकीकृत विषयी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित प्रयोजन विधि के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो 133 का आंसर हो जाएगा बी, 133 का आंसर हो जाएगा बी, 3, 1, 2, 4, 6, 5। क्वेश्चन नंबर 34, मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों को सही क्रम में रखिए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा डी, 3, 1, 5, 4, 2। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा सी, प्रचार अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 36, विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम खालिस्तान के आधार पर सीखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36, आंसर हो जाएगा नैमित्तिक अनुबंध। क्वेश्चन नंबर 37, न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का आंसर हो जाएगा डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 38, शारीरिक गतिज वृद्धि करने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में कौन सी हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का आंसर हो जाएगा नर्तक डी। क्वेश्चन नंबर 39 अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी अतिक्रिया प्रवृत्ति, सांवेगिक अस्थिरता, अवधान में कमी, तो ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 40, पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में CS जिसे इंगित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा घंटी की ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 41, खालिस्तान के अनुसार बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण मापता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 बोरिंग। हाँ जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बोरिंग। क्वेश्चन नंबर 42, मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता आती है, तो आवश्यकता आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैहिक। क्वेश्चन नंबर 143, जब बालक सीधे यानी दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो वह कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे यानी बाएं हाथ से सीखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का स्थानांतरण कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा डी, द्विपार्श्विक अधिगमांतरण। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का आंसर हो जाएगा संवेग। नंबर 145, किस प्रकार के अनुबंध अधिगम के
लिए सर्वाधिक प्रभावी है? इसका आंसर हो जाएगा विलंबित ए। क्वेश्चन नंबर 45, किस प्रकार के अनुबंध अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विलंबित ए, 45 का ए। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में कितने तरह या प्रकार के रूलर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 46, इसका आंसर हो जाएगा दो तरह के। क्वेश्चन नंबर 47, जोखिम पूर्ण अपशिष्ट के स्रोत हैं? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा बी, बैटरीज पेंट ऑफ सॉल्वेंट। 48, कैश मेमोरी खालिस्तान और खालिस्तान के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू और मुख्य मेमोरी। ये आईटी के क्वेश्चन आ गए हैं, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन हैं। प्लीज़ राजस्थान की ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम में कंप्यूटर के कुछ सिलेबस यानी कोई टॉपिक जोड़ दिए गए हैं। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चनों को भी ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 149, एक पेटा बाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा 124 टेराबाइट्स, बी आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 150, एक डेटाबेस में एसक्यूएल का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है वह है? तो क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर होगा ड्राफ्ट इंडेक्स डी, 150 का आंसर हो जाएगा डी। इस तरह आप देखेंगे कि ये जीके से संबंधित जिसमें सभी तरह के क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ आप सभी से फिर से एक बार निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।